नगर परिषद करेरा में 11 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे। नगर के गली मोहल्ला सड़कों में गंदगी का आलम मचा हुआ था। आज दोपहर करेरा SDM दिनेश चंद्र शुक्ला एवं SDOP GD शर्मा, नगर परिषद CMO मधुसूदन श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव के समक्ष कर्मचारियों से बात कर 16 कर्मचारियों को स्थायी किया। बाकी कर्मचारियों को 7 दिन के अंदर उनकी नियमानुसार वेतन बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद सभी ने आपस में बात करने राजी हो गए। सभी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर अपने अपने काम पर लग गए। सफाई कर्मचारियों ने SDM से आग्रह किया कि झाड़ू फावड़ा हमें अपने वेतन से लेना पड़ता है। उस पर SDM ने कहा कि आप सबको झाड़ू फावड़ा नगर परिषद से ही मिलेंगे और जो मना करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि मेरे हाथ में होती और देखो मार्गदर्शन होके आ गया हम आ गए। कल मैं भोपाल था, बाहर था, मैं अपने काम से गया था परसों। कल दिन भर नरवर रहा, फाइल आई, मार्गदर्शन निकाला और आ गए। देखो तुमसे मेरा, देखो तुम लोगों से मेरी क्या बुराई भलाई हो सकती है। देखो हमारा तो ये काम है, शहर भी तुम्हारा ही है ना यार। कौन सा मैं मेरे साथ और क्या बताऊं, बताओ हमने कहा देखो 16 लोग जी आदेश हमारे घर पर तो है नहीं है जी। हमने जो निकलवाया है इसमें 2000 से सुन लो, अंशकालिक आदमी को 9000 रुपए नहीं मिलेगा। अंशकालिक का कोई भी प्रावधान नहीं है और ना कहीं हुआ है, मैं वहां का भी देखा हूँ वो पूर्णकालिक पे। तो सर हमारा तो है लेकिन जिनके हैं उनके कर दे। देखो मैंने एक बीठी है, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सबके नहीं होंगे। जैसे 16 तुम कह रहे हो पता नहीं कैसे भर्ती हुए हैं, 16 उनकी देख लेता हूँ फाइल और फाइल बुला करके उनका ये होगा तो उनको क्या 88 तुम कह रहे हो, मैं तो उनकी तो 16,000 तनख्वाह था, उनकी तो 23,000 होना रुकी पड़ी साहब। वो दूसरी बात जो लोग हम लोग 8 साल के लगे हैं उन लोगों की कलेक्टर रेट चाहिए सर, उनके पास वो नियम में आ रहे हैं सर जो नियम और जो हमारे पास देखो वो आ जाएगा। यदि उस तारीख से जिस तारीख से कलेक्टर ने रेट को मना हुआ है उसके पहले के होंगे है ना, उसको उनके मैं कर दूंगा 14 है सर। हाँ और यदि उसके बाद के होंगे तो उनको पूर्णकालिक का वेतन नहीं मिलेगा। बिल्कुल मान्य है सर, बस तो यही तो कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, तो मैं तो तैयार हूँ भाई। जैसे हमारी हमने CMO साहब से निवेदन किया था, देखो CMO से तो हम भी बहुत निवेदन करते रहे हैं, कितना चिंतित होंगे कि आज वो है यहाँ नहीं सर। ये तो रोज है, कल भी यही थी मगर वो यहाँ नहीं आ रहा सर। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मेरे ऊपर उतना विश्वास करना नहीं सर। मैं न्याय की कुर्सी में बैठता हूँ, मैं अभी तक मैं बड़े दर्प के साथ बड़े घमंड के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी का अन्याय नहीं किया और मुझे चाहे विरोध हुआ हो मेरे 100 फाइलों में और तुम्हारे साथ भी मैं कह रहा हूँ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन नियम के बाहर भी मैं कुछ नहीं कहूँ, नियम होगा अपने लोग देखो। बानना साहब अगर हम संविधान को